देशव्यापी अभियान ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल सिंह आईपी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ऑपरेशन विजय के मंडल कार्यालय कानपुर नगर में तिरंगा फहराने के बाद ऑपरेशन विजय से जुड़े नए सदस्यों व पदाधिकारियों को सदस्यता एवं परिचय पत्र वितरण करने वाले कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि देश के अंदर आई विषम महा आपदा कोविड-19 में वैसे तो सभी देशव्यापियों ने अपने व अपने परिवार एवं अपने समाज को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, परंतु उनसे भी ऊपर उठकर जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात इस महामारी में समाज के लिए अपनी बेसिक जिम्मेदारी एवं इंसानियत और मानवता के तहत कार्य किया है, ऐसे करीब 125 लोगों को ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा गठित चयन कमेटी ने चयनित कर प्रथम लिस्ट कार्यालय को दी थी, जिसे आज वरिष्ठ पदाधिकारियों की विशेष बैठक में स्वीकार कर ली गई है, जिनमें प्रमुख रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राहुल गांधी, रवीश कुमार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, बाबा रामदेव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, DGP बिहार गुप्तेश्वर पांडे सहित 125 लोग शामिल हैं। साथ ही समाज के प्रेरणा स्रोत व सैनिकों के मसीहा पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने अपने रक्षा मंत्री काल के दौरान देश के सैनिकों के हित में एक ऐसा सराहनीय कदम उठाया गया था जिसमें आज देश के प्रत्येक सैनिकों की किसी भी परिस्थिति व किसी भी जगह मृत्यु होने पर डेड बॉडी घर पहुँचती है, उन्हें भी ऑपरेशन विजय की चयन कमेटी ने युग पुरुष की उपाधि से सम्मानित करने का फैसला लिया है। अवार्ड के लिए चयनित किए गए लोगों में कानपुर नगर से जुड़ी तमाम मीडिया एवं समाज सेवा से जुड़ी हस्तियां शामिल हैं। विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की ओर से ऑपरेशन विजय के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, शुभ चिंतकों एवं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग ने हमारे देश के अंदर आई एक विषम महा आपदा कोविड-19, जिससे सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समय ग्रसित है। ऐसी महा आपदा में देश के जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात देश और समाज के लिए कार्य किया है, ऐसे लोगों को जिन्हें सरकार व जिम्मेदार लोगों को पहचानना चाहिए, भले वो न पहचान पाए हो, लेकिन ऑपरेशन विजय ने उनको पहचानने के लिए अपनी एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने हमें देश के 125 लोगों के नाम चयनित कर पहली लिस्ट हमें दी है। उस पहली लिस्ट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के अलावा उद्योग क्षेत्र की महानती रतन टाटा, बॉलीवुड की महानती जिसने भारत के नाम को विश्व में रोशन किया अमिताभ बच्चन जी, वह देश के लिए एक बहुत ही बेहतर काम करने वाले बाबा रामदेव जी के अलावा करीब अन्य 125 लोग, जिसमें पुलिस के अधिकारी, DGP बिहार सहित जो लोग नीचे स्तर से काम किया, जिन्होंने जिनको शायद उनके विधायक तक भी नहीं पहचान पाए होंगे, लेकिन ऑपरेशन विजय ने उनको पहचाना है, और ऐसे 125 लोगों को ऑपरेशन कोरोना फाइट अवार्ड 2020
किया है। साथी इस प्रथम लिस्ट में कई ऐसे लोगों को चयन किया है जिनको हम उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के पास उनके नामों को हम भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनके उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए इनको अपने स्तर से सम्मानित करें। साथ ही ऑपरेशन विजय ने हमारे समाज के युवा पीढ़ी का रास्ता दिखाने के लिए समाज के प्रेरणा स्रोत माननीय मुलायम सिंह जी को युग पुरुष का सम्मान भी देने का फैसला किया है। माननीय मुलायम सिंह जी ने जिनको सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत ही छोटे परिवार से जन्म लेकर और किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके आम जनता जो गरीब है उनको ये बताया कि आप